students, good afternoon. I am here with a very important topic, that is the use of much and many. आज हम लोग सीखेंगे बहुत आसान तरीके से कि much और many का use हम लोग worksheets में कैसे करें, ये दोनों में difference क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि much और many दोनों ही word का मतलब होता है बहुत या ज़्यादा, ठीक है. दोनों ही वर्ड का मतलब होता है बहुत या ज़्यादा, यानी कि जहाँ पर हम लोग बहुत या ज़्यादा को यूज़ करेंगे या उसके बारे में समझेंगे, तभी हम लोग मच और मैनी का यूज़ करेंगे. अब समझ लेते हैं कि मच और मैनी का यूज़ होता कहाँ है. मच और मैनी हम लोग डिटरमाइनर्स में पढ़ते हैं, जिसमें क्वान्टिफायर्स एक टाइप है डिटरमाइनर्स का, उसके अंतर्गत ये जो है दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना रखा है, यहाँ देखिए मच और ये है एक मैनी, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखना क्या है कि मच जो है, मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल्स. मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल्स, याद रखना कि मच हमेशा उन सब चीज़ों के लिए यूज होगा जो हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल्स. उसके बाद मेनी जो होता है वो हमेशा काउंटेबल्स के लिए होता है, यानी वो सब मात्राएं, वो सब क्वांटिटीज जो हम गिन सकते हैं, उसके लिए हम लोग मेनी यूज़ करते हैं. इसको और अधिक क्लियरली समझने के लिए, आसान तरीके समझने के लिए हम लोग एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज एग्जांपल्स आर द बेस्ट टीचर्स. यहाँ हम लोग देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल देते हैं, देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव डैश शुगर इन द जार. ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है. आई देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास. बॉयज, अब ये बॉयज जो है वो काउंटेबल है, लड़के, लड़कों को हम गिन सकते हैं. तो यहाँ स्पष्ट है कि अगर हम बॉयज़ यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ मच और मैनी अगर हमको फील करना है दोनों में से कोई एक, तो यहाँ अगर काउंटेबल है, तो मैंने यहाँ पहले ही बताया कि मैनी जो है काउंटेबल्स के लिए यूज़ किया जाएगा. तो यहाँ हम लोग जो है आसानी से यहाँ मैनी लिख देंगे, ठीक है. तो ये समझ में आया. उसके बाद आई हैव डैश शुगर इन द जार. शुगर, शुगर जो कि अनकाउंटेबल में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. चीनी, जार में बहुत चीनी है, ज़्यादा चीनी है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मच. तो आशा करते हैं आप इस वीडियो से कुछ सीख पाएँ, आसान तरीके से मच और मैनी का आप यूज़ कर पाएँ, और इसको आसान तरीके से आप जो है वर्कशीट में यूज़ कर पाएंगे. आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. और अधिक वीडियो देखने के लिए, मेरे नए नए वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा. थैंक यू.